हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश, मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल उनके लिए बड़े बहुत धमाकेदार वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। और एक लड़का फेल नहीं होगा इस बात की मेरी गारंटी, इतना अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और इस बार टारगेट जो हम लोगों का है 95 नंबर है 100 में, ठीक है, और उसको दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी इस बार, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को सारे प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। गद्यांश पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, ठीक है, निबंध सब कुछ मैं कराने वाला हूँ। देखो पहला प्रश्न यह है, मुझसे पहले ही आंसर आप लोग बता दो, क्या है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है कौन सी है बताइए। मेरे जीवन प्रवाह, कि मन की बातें, कि मेरी असफलताएं, कि नई पौध, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का बहुत प्यारा प्रश्न है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी पे क्लिक कर दो, मेरी असफलताएं। इतना प्रैक्टिस करा दिया हूं आप लोगों को कि एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। बस एग्जाम में बैठोगे ना तो पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे, इतनी गारंटी है मेरी। देखो दूसरा प्रश्न क्या है कि रस मीमांसा क्या है, रस मीमांसा के जो लेखक है कौन है, रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि गुलाब राय है, कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, कि जयप्रकाश भारती हैं। जल्दी से बताइए रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा का ए ऑप्शन पे क्लिक कर दो, रस मीमांसा के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा यह है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, देखो क्या है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, बता रहा है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ठूठा आम, की ठेले पर हिमालय, की दृष्टिकोण, की नदी के द्वीप, बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध जो है कौन सा है। तो तीसरे का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, तीसरे का ए जो है राइट आंसर होगा, क्यों भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो ठूठा आम है। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो है यहाँ पे कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। देखिए कृति कंकाल, देखो कंकाल जो है कृति का नाम है, अब पूछ रहा है इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, कि आपके राम कुमार वर्मा जी हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बताइए कमेंट करके कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जय प्रकाश जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो भूलना मत आप लोग, ठीक है, इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसे मैं साइड करता हूँ और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए बता देता हूँ, इतना हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रखा है कि ये क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। चलो अगला प्रश्न देखो पांचवा, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, की ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, की ऑप्शन सी जनेंद्र कुमार, की ऑप्शन डी यहाँ पे कृष्णा सोबती, बताइए निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, ऑप्शन ए छाया और प्रभा, ऑप्शन बी मर्यादा और हंस, ऑप्शन सी जो है सुधा और हंस, और ऑप्शन डी जो है सरस्वती, बताइए मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं कौन है इन चारों में से। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वह मर्यादा और क्या है, हंस है, ठीक है। ये भी प्रश्न क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर देखो सातवा, प्रश्न नंबर सातवा है कि गेहूं, देखो क्या है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है बताना है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ। रामविलास शर्मा जी की, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की, कि प्रेमचंद्र जी की, कि यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत प्यारा प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों बी पे क्लिक कर दो, कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर आठवां, देखो क्या है, लहरों के राजहंस, देखो कितना प्यारा प्रश्न है क्या, लहरों के राजहंस के जो लेखक का नाम है क्या है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम, मोहन राकेश है, कि प्रेमघन है, कि गुलाब राय है,
रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, बताइए। लहरों के राज हंस के लेखक का नाम आपको लोगों को बताना है। आठवें का ए पे क्लिक कर दो, कौन है? मोहन राकेश है, लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारा बच्चों यह है कि मेरी आत्मकथा, प्रश्न है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद जी हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं, बताइए। मेरी आत्मकथा जीवनी के जो लेखक हैं कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 हो गया। आगे अगर हम बात करें, चलो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है कितनी? शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है बताइए, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से लेकर 1947 तक, बताइए शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल जवाब दोगे ये तो प्रश्न रटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो, 1919 ईस्वी से 1938 तक मानी जाती है। आगे अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, देखो प्रश्न नंबर 11 यह है कि उपन्यास भूले बिसरे के चित्र के लेखक कौन है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं कि भगवती चरण वर्मा जी हैं कि यशपाल हैं कि वृंदावन वर्मा जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करो, भगवती चरण वर्मा जी हैं, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 12 की तरफ, और देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, प्रश्न नंबर 12 इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं कि गुलाब राय जी हैं कि मुंशी इंसाल्लाह खान जी हैं कि वैद्यनाथ मिश्र जी हैं? कलम के सिपाही के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना, अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, देखो प्रश्न नंबर 13 यह है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है बताना है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, नाटक की निबंध? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 13 का बी पे क्लिक कर दोगे, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर अगर हम 14 की बात करें, प्रश्न नंबर 14 है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी, जयशंकर प्रसाद जी की, विष्णु प्रभाकर की, मोहन राकेश, बताइए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बी पे क्लिक कर दो, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, 14 का बी, ठीक है। चलिए तो ये भी प्रश्न हो गया। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ, और प्रश्न नंबर 15वां जो है उसको देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न पूछ रहा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि अर्धनारीश्वर के लेखक, कितना प्यारा प्रश्न आ गया, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं कि आपके प्रेमचंद्र जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि चतुरसेन शास्त्री जी हैं, बताइए अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं कौन है? तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो, विष्णु प्रभाकर जी हैं अर्धनारीश्वर के लेखक। तो प्रश्न नंबर 15 भी क्लियर हो गया ना। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 16 देख लो, प्रश्न नंबर 16 है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र या आपके नाटक की कहानी, बताइए अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यार बच्चों? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? सिंपल जवाब दोगे सी, नाटक विधा की रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। इसी की तरह आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 17 यह है मेरे प्यार बच्चों कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं कि धर्मवीर भारती जी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बताइए पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो मेरे प्यार बच्चों 17 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, कौन? जयप्रकाश भारती हैं, ठीक है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, भूलना मत, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो प्रश्न नंबर 18 क्या है, आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक युग की मीरा कहलाती है आपके महादेवी वर्मा कहलाती है, ठीक है। तो 18 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो 19वां प्रश्न देख लो, 19वां प्रश्न यह है कि महादेवी की रचना है, बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन है इन चारों में से, गुंजन, निर्जा की, गीतिका की, झरना, बताइए महादेवी वर्मा की रचना कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो बी पे क्लिक कर देना, निर्जा, क्योंकि निर्जा जो है ना वो महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है,
ठीक है चलो 19 प्रश्न हो गया ना। अगला अगर हम प्रश्न बात करें आपको तो देखो 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, मित्रता निबंध के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी हैं, गुलाब राय हैं कि कुबेरनाथ। सिंपल जवाब दोगे मित्रता निबंध के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन ए होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है तो देखो 20 ऑब्जेक्टिव हमने क्वेश्चन करा दिया। अब मैं आता हूँ आप लोगों को 3 वर्ष का प्रीवियस पेपर कराने वाला हूँ, एक 2019 का और एक 2000 आपका 20 का, एक आपका 2022 का, क्योंकि 21 में एग्जाम नहीं हुआ था। अब तीनों के पेपर का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ आप लोगों को, महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, सब कुछ डिटेल में। ठीक है चलिए उसको देखते हैं। तो आपको पेपर दिखाई दे रहा है एक 2022 का 801 ए, और एक पेपर और 2022 का है 801 आपका ए बी। ये जो दो पेपर हमने लिया है और इसी के आधार पर हमने एक पेपर और ले लिया 2020 का, क्योंकि 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, और इसी के आधार पर एक पेपर और ले लिया 2019 का। अब मैं करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों इसका पूरा एनालिसिस और इसका पूरा सोल्यूशन। ठीक है ये आप पेपर देखो 801 ए, ठीक है इसमें जो गद्यांश दिया है उसको देखो। इसके बाद हमने एक पेपर लिया यहाँ पे 801 ए बी, इसका जो गद्यांश यहाँ पे दिया है इसका देखो, पहला गद्यांश देखो। ठीक है अब चुपचाप देखते रहना और इसका पूरा सलूशन मैं दिखाने वाला हूँ। एक गद्यांश है इसका देखो ये वाला, इसके बाद अगर हम देखें एक गद्यांश और इसका तो यहाँ पे देखो, अब आपको खुद मालूम चल जाएगा मैं पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ। अब सलूशन सलूशन के साथ में करने वाला देखो। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबका मैं सलूशन करने वाला हूँ, इसका पहला, इसका पहला, इसी तरह पूरा करूंगा, भले ही वीडियो जितनी बड़ी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस यह है कि नंबर आना चाहिए इसका। और ये तीर लगा दिया इसमें कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ठीक है और इसमें भी यही है कुसंग का जोर, समझ लीजिए वाला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुसंग का जोर। 801 ए में भी पूछा था और 801 ए बी में भी पूछा था, मतलब तो हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो पहले इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है तो चारों को मैं दिखाने वाला हूँ, इसके बाद तब जाके हम लोग अथवा भी देखेंगे इसका ख वाला। ठीक है चलिए तो इसका देखते हैं सोल्यूशन, और यही सब 2023 में आएगा, ठीक है इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब मैं इसको रखता हूँ साइड में और जो जो प्रश्न में कराना है सबको मैं लेकर आता हूँ सामने। देखो यही था कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे निरंतर दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या होता क्या है। अब आप सोचोगे देखो 2022 में जो पेपर आया था वही पेपर 2023 में आएगा, यही रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा मैं आपको बता दूं, देखो अब ये 2022 का पेपर है जो कि एकदम सेम ही है, देखो सेम यही गद्यांश आप लोगों का इसमें भी दिया है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ में देखिए रेखांकित तंत्र की जो व्याख्या है वो ऊपर वाला दिया है, यहाँ तक कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है वह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है यहाँ तक, और 2023 में क्या करेगा कि नीचे वाला दे देगा, 2023 में आपको नीचे वाला दे देगा कहां से, यहां से, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, देखो यहां से दे देगा किसी युवा पुरुष की संगति, यहां से लेकर यहां तक दे देगा, सेम होता है लेकिन जो रेखांकित अंश की व्याख्या चेंज कर देता है, 2022 में यहां तक दिया था ना, 2023 में यहां से लेकर यहां तक दे देगा। ठीक है तो दोनों दे सकता है, या तो यही दे देगा या तो इसको नहीं देगा तो इसको दे देगा। तो अगर बस मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो बस ऊपर वाला का जानोगे, नीचे वाला का नहीं कराऊंगा तो फिर नीचे वाला आ जाएगा तो कैसे करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसलिए मैं इसको पूरा लिख के लेके आऊँ, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, ताकि संपूर्ण आपको जानकारी हो। पहला भी पूछेगा तो भी बता दोगे, दूसरा पूछेगा तो भी बता दोगे। ठीक है देखो और इसके नीचे प्रश्न आपको पूछा गया है ये वाला, पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और 100 वाला में 3 प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है चलिए देखिए कैसे करते हैं, पूरा टोटल इसका सोल्यूशन बताने वाले हैं हर एक चीज का। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे, इसको मैं साइड रखता हूँ, इसका देखो सोल्यूशन यहाँ से। पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से उत्तरित है। अब देखो संदर्भ में क्या होता है कि जो लिखे हैं कौन लिखे हैं इनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, हिंदी गद्य खंड से लिया गया है और उसमें मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देख रहे हैं,
प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कहाँ तक, यहाँ तक केवल कुसंग का जो और भयानक होता है यह केवल नीति और शक्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक जो ये वाला है यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसका हम लोग करने वाले हैं। देखो तो लिखेंगे यहाँ पे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। देखिए इसको समझाने के लिए कुछ है नहीं, समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, अन्यथा मतलब बता भी देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार घातक बुखार अगर आपको हो जाता है तो वो बुखार आपको जान प्राण को ले लेता है, उसी तरह अगर बुरी संगति आपको मिल जाएगी तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है, वो आपकी नैतिकता को जो आपका सदाचार मन बुद्धि है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। बस यही आप इसको बस नोट कर लो, नोट्स कॉपी बना लो छोटा सा, यही जितना करा रहा हूँ इस वीडियो में यही सब करके चले जाओ एग्जाम, ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखने वाले हैं, द्वितीय यही मैं आपको बताने वाला हूँ कहां तक, देखो यहां तक युवा पुरुष की संगति यहां से लेकर यहां तक, ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है, यहां तक अंडरलाइन कर देगा तो मैं दिखाऊं जो लिख के लेके आया हूँ, यहां तक देखो यह है यहां से लेकर यहां तक कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब इसका देखो, इसका हम लोग व्याख्या देखने वाले द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, चलो नोट करो। मानव जीवन में युवा अवस्था जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को क्या करती है, उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरना प्राय उसे गिरा भी देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो उसे गिरने नहीं देती है अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है, जो हमें गिरने नहीं देती है और जीवन को शुद्ध सात्विक तथा उन्नत बनाती है। अब इसको नोट कर लो, अब इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे मतलब कहना है कि मतलब ये चीज कह रहे हैं कि कुसंगति युवा मनुष्य की सारी प्रगति को रोक देती है। जिस प्रकार इस बताए हैं उन्होंने लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के पैर में अगर पत्थर बांध दिया जाए तो पत्थर आगे नहीं बढ़ने देता है और क्या करेगा, उस पत्थर अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो पत्थर आपको गिरा भी देगा, उसी प्रकार बुरी संगति आपको आगे बढ़ने नहीं देती है बल्कि दिन प्रतिदिन आपको उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके नीचे तीन प्रश्न और दिया आएगा, इसी तीनों में से कोई ना कोई एक देगा, जैसे ये तीन प्रश्न है ना तो तीनों में से कोई एक देगा जरूर, जैसे इसमें दिया देखो तीनों में से कोई एक ही ना दिया है कि युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तीनों तीनों में से दिया है, लेकिन मैं तीनों को बता देता हूँ कि ताकि तीनों में से कोई भी आएगा आप आसानी से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है तो इसका उत्तर लिखोगे, जब पूछेगा तो लिखोगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे औन्नति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, सिंपल। इसके बाद दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए, तो देखिए तब यह आएगा तो कैसे लिखोगे कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बांस के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। बस अगर प्रश्न में यह दे दे कि कुसंग क्या क्या प्रभाव होता है तब कैसे उत्तर लिखोगे, तब यह उत्तर लिखोगे कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है और इसके साथ साथ वो उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। बस कंप्लीट भैया, ये कंप्लीट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये दो पेपर में दिया था, ये दो पेपर, एक 801 AE में और एक 801 AB में। देखो पहला कुसंग का ज्वर, ये दोनों 22 के पेपर है तो हम लोग 23 में 100% आने वाला है, इसको अब लिख लो, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका देखने वाले हैं, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। देखो पहला पहला हो गया ना इसका सबका, अब देखो जो इम्पोर्टेंट मैं वो आपको बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, जो इम्पोर्टेंट वही बता रहा हूँ। अब इसको देखो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, क्या है मैं पहले दिखा देता हूँ, ये आपको अच्छे तरीके देख लो और नोट कर लो इसको। पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर हमारी मूर्तें भीहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्य ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी,
फिर उनके चेले कलंतों ने उनमें रंग भर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। और ये प्रश्न आपसे पूछा है, अब इसका पूरा फुल डिटेल में हम लोग इसका सलूशन देखने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, तैयार करना, 100% आएगा, ठीक है, एक प्रश्न नहीं बचेगा जी, एकदम बिल्कुल 70 में 70 करा के मानूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है, लिख के गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, ठीक है, कोई लड़का फेल नहीं होगा, पूरे का पूरे टॉपर बनोगे, इतना गारंटी मेरी। देखो यही ना था, देखो इसका सलूशन कैसे लिखेंगे, पहले पूछा है पहला प्रश्न को उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, बिल्कुल हम संदर्भ देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, किस तरह लिखना ये भी सीख लो, अभी देख लो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, प्रश्न उत्तर तीसरा खड़ा डालोगे, फिर लिखोगे संदर्भ, प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। बस रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कहां तक बोला है, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब देखो क्या कितना सिंपल है, लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की जो भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया, तत्पश्चात मतलब उसके बाद उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। बस हो गया एक प्रश्न, और पूछा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए, तो उसका भी सलूशन हम लोग बताएंगे कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। बस खत्म, ये भी खत्म। अब देखिए जो बता रहा हूं बस ध्यान से आप इसको सुनते जाइए, इसके बाद देखिए अब यह वाला देखो मेरे प्यारे बच्चों, वाकई में कमाल का है प्रश्न, एक प्रश्न नहीं छूटेगा कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके, और यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अरे कमाल का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कमाल का प्रश्न है, ठीक है चलिए उसको देखते हैं। देखिए यही ना था मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कमाल का प्रश्न है, तो इसमें भी दो देता है, जैसे उस वाले प्रश्न में जो अभी हमने आपको दिखाया इसमें आप लोगों को नीचे वाला का पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है मैं दिखा भी देता हूँ, देखो नीचे वाला फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, देखो यहाँ तक दिया है, अकौन जनता 2023 में आगे वाला दे दे तो क्या करोगे, इसलिए दोनों लिख के लेके आए हम, ठीक है। देखिए प्रश्न नीचे पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखें क्योंकि हमने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया है, आप लोग सुन भी लिया है आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग लिखेंगे पहले संदर्भ, देखो लिखेंगे कैसे संदर्भ कि प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है, और इसके जो लेखक है ना वो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी है, ममता नामक कहानी से उद्धृत है लिया गया है, और इसके जो प्रवर्तक है वह है आपके श्री जयशंकर प्रसाद जी। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है चलिए, तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कहां तक, यहां तक, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहाँ तक। तो देखो अगर यह आ जाएगा ऊपर वाला तो कैसे लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। बस हो गया, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यह वाला यहाँ तक, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। अगर इसमें दिखाने की बात करें तो वही तो है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, वही फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखो कैसे लिखोगे, देखो ये आ जाता है तो ऐसे लिखोगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेर शाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही, और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। एक चीज और याद रखिए, अभी हम लोग गद्यांश कर रहे हैं जी, अभी हम लोग पद्यांश भी करेंगे, संस्कृत के भी गद्यांश करेंगे, संस्कृत के भी पद्यांश करेंगे, बहुत सारी चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले, एक नंबर आप लोगों का इधर उधर नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, तो ये भी आप लोगों का हमने बता दिया,
ठीक है। लेकिन इसके नीचे दो प्रश्न और पूछा गया है, पूछता है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आएगा तो कैसे लिखोगे, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। आगे अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न अगर आ जाता है तो कैसे लिखोगे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तो आप यह लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, जो जो बता रहा हूं ना बस आप लोग अच्छे तरीके से उसको नोट करते रहो। बस गद्यांश मेरे प्यारे, तो बस इतना गद्यांश अगर आपको तैयार है ना तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है, पास होने से, ठीक है। चलिए बस इतना तैयार है तो, और पूरा अभी तैयार करूंगा तो 95 नंबर से पार, ठीक है। चलो तो देखो ये भी हो गया आप लोगों का। आगे अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पद्यांश है, गद्यांश का काम खत्म, मैं साइड करता हूँ, अब पद्यांश देखेंगे। चलिए अब हम पद्यांश देखने वाले हैं। तो देखो पद्यांश में ये है कि देखो ये जो पद्यांश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो ये पेपर कोड देखो क्या है, 801 AE, और यह पेपर को देखो 801 AC, इसमें भी वही पद्यांश सुनी सुंदर बेन सुधार सानी यही है, इसमें भी देखो 801 AE, ठीक है, और इसमें भी आप लोगों का यही है, मतलब ये जो आप लोगों का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश लाइव रूप में दिखा रहा हूँ, इस तरह बताऊंगा तो आप लोगों को तो विश्वास होता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को लाइव सब कुछ ला के दिखा के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि इन प्रश्नों को आप याद कर पाओ। चलिए अब इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि देखो बोलता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की स संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो चलिए स संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। आपने इसे नोटिस कर लिया, बढ़िया अच्छे तरीके से नोट कर लिया ना, इसको दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखें। आपका संदर्भ कैसे लिखोगे, देखिए इसका संदर्भ यह है कि देखो यहाँ दिखा भी देता हूँ, वही लिख के लेके आया हूँ मैं, कि सुनी सुंदर बेन सुधारसा ने। देखो संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित तो वनपथ शीर्षक से, मतलब वनपथ शीर्षक कविता से क्या है यह अवतरित है, कवितावली से लिया गया है, और किस काव्यखंड में संकलित तो वनपथ शीर्षक से अवतरित लिया गया है कविता से, और इसके जो रचयिता है वो है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है, यह संदर्भ में लिखना है। इसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि प्रसंग भी लिखा जाता है, मैं इसको थोड़ा साइड करूं तब आपको अच्छे समझा पाऊंगा। प्रसंग देखिए कभी भी आप लोग पद्यांश लिख रहे हो तो इसमें प्रसंग लिखना अनिवार्य होता है। प्रसंग का मतलब ये क्यों होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों पे बात की गई है वही पूछा जाता है। तो देखो प्रसंग में हमने लिखा है कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी ने अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे पद्यांश, ये जो पद्यांश आप देख रहे हो ना, इस पूरे पद्यांश में यह बात किया गया कि सीता जी अपने हाव भाव से ही अपने मतलब राम के बारे में सब कुछ बता देती है। अब इसका हम लोग देखेंगे व्याख्या, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से व्याख्या हम लोगों का स्टार्ट होता है, और देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, ये पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या बताना होता है, ठीक है, ये पूरा नोट कर लो। अब इसका हम व्याख्या देखने वाले हैं। देखो लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले क्या तुम्हारे लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर जो चतुर सीता जी ने उनके मनोभावों को समझ गई, मतलब समझना चाह रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब गांव की लड़कियों ने सीता जी से पूछा कि ये तुम्हारे सुंदर जो सुंदर सावले रंग वाले जो है ये कौन है आपके, तो उनकी भाषाओं से उन्होंने समझ गया कि पूछना क्या चाहती हैं लोग। फिर देखो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाद आगे लिखोगे कि उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के जो संकेत को समझकर सभी जो सखियां थी उनकी सीता जी की राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी, और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां क्या गई हों, खिल गई हों, ठीक है, बस समाप्त हो गया ये, ठीक है, ये भी आप लोगों का समाप्त हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश, और याद करके जाना था ये वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर,
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब देखो ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, 2023 में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखो यही ना था। अब देखो सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे क्या, संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उत्तरित है, और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ठीक है, अब इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का मतलब वही चीज बता दी हूँ आप लोगों को कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों की बात की गई उसे प्रसंग में लिखते हैं। देखो प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो पद्यांश दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक, ये पूरे पूरे पद्यांश हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट करो। चलो देखो कैसे लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां से नोट करो, लिखेंगे अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का जो बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रखना चाहिए, और देश प्रेम पर पवित्र भावना है जो निर्मल और असीमा रहित त्याग से शोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही क्या होता है कि मनुष्यता की जो मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो पूरा, और पूरा का पूरा खत्म हो गया। बस इतना ही अवगत पद्यांश आपको, दो पद्यांश जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया है, तैयार है ना? तो समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक ही करना होगा, और दोनों में से तो 100% एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप उसको कर लेंगे। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पर डिस्कस करने वाले हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखो अगर संस्कृत के गद्यांश की बात करें ना तो तीन पेपर है, तीनों मेले हम बता देता हूँ आप लोगों को। पहला तीनों वाराणसी से लिया गया है, वाराणसी के चैप्टर का ही पूछता है, तो कंफर्म बात है। लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का ना, लेकिन इस बार 5 नंबर का पूछेगा, याद रखना है। देखो यह और यह आपको दिख रहा है, यह और यह जो आपको दिख रहा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है। ठीक है, तो तीनों का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग उसका देखते हैं, पहले वाला का। अब मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले अच्छे से नोट कर लो इसको। ठीक है, यही है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना, पहले इस प्रश्न को आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये तो गद्यांश चल रहा है ना संस्कृत का, संस्कृत का पद्यांश भी आपको बताऊंगा, मतलब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आया हूँ, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले तो आप ऊपर की देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और लास्ट का भाषा एवं कार्य, ये आप लोगों को हेडिंग बनानी है, ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि कौन सा पद्यांश किया। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यहाँ से ले लिया, और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा भारी सा अरे पारी भाषा एवं कार्य। ठीक है, तो यहाँ तक हमने भाषा एवं कार्य तक यहाँ तक ले लिया, पहले इस तरह आप लोगों को डाल देना है। प्रसंग में आपको पूर्वोत्तर डालना, प्रसंग का मतलब ये चीज हमने बताया है। प्रसंग में अभी आपको बताता हूँ कौन सा लिखना है। देखो प्रसंग में ये वाला लिखना है, नोट कर लो, क्योंकि तीनों वाराणसी से था इसलिए हमने बस एक बार लिख दिया है, और उसको आप लोग उसी में बार बार लिखना था इसलिए हमने बार बार नहीं लिखा कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अव स्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, बस यही आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो अनुवाद, अब इसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ तक, इसका हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। तो लिखेंगे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की जो केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, बस अनुवाद खत्म, 5 नंबर मिल गया, बस इतना सिंपल होता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखिए यह वाला जो है वो वाराणसी प्राचीन काल देव है। ठीक है, कहाँ गया उसको मैं आपको बताता हूँ, यह वाला आप करने वाले हैं। देखो वाराणसीयम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विधाय यहाँ से लेके अध्ययनंदम प्रचलित,
इसका भ्रमण करने वाले हैं। पांच नंबर का आएगा इस बार, देखो वाराणसी में प्राचीन काल अध्ययनम प्रचलित, इस तरह हेडिंग आपको डाल देना है। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, बस संदर्भ में भी वही सेम रहेगा क्योंकि तीनों ही वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, प्रसंग में वही चीज, ठीक है। अब अनुवाद ही मेन होता है, अनुवाद लिखेंगे इसका, देखो कैसे। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है, आज भी यहां संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का जो ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। बस यही इसका अनुवाद है मेरे प्यारे बच्चों, इसको तैयार कर लेना, तीन ही है, तीनों तैयार कर लोगे ना तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो ये भी हमने बता दिया, एक और बच गया उसको बताने वाला हूँ, ये वाला देखो नोट कर लो, ईएम नगरी विविधता धर्माणम, ये जो है आप अच्छे से तरीके से इसको नोट कर लो यहां से लेके परिपालयति तक। चलिए इसको देखते हैं, देखो वही चीज लिखा, ईयम नगरी विधर्माणम परिपालयति तक, ठीक है। प्रसंग वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, प्रसंग में वही लिखना है। हाँ अनुवाद चेंज होगा इसका, देखो इसका अनुवाद क्या है, यहाँ एक बार फिर दिखा देता हूँ, यही है, इसी का अनुवाद हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्रों में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। बस ये भी आप लोगों का खत्म हो गया, तो तीनों हमने बता दिया, ठीक है। अब हम देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों इसका पद्यांश, ठीक है। अब देखो तीनों का पद्यांश जो है, इसमें एक पेपर देखो बता देता हूँ, एक पेपर यह पद्यांश जो है और ये जो पद्यांश आपको दिख रहा है दो पद्यांश, ठीक है, और ये मेरे पास देखो तीन पेपर हैं और ये मेरे पास चार पेपर हैं और एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है पेपर का, ठीक है। मतलब टोटल पांच हमारे पास हैं और पांचों का मैं आप लोगों का एक ही जगह लिख के लेके आया हूँ पद्यांश, ठीक है। ये बार बार आता है, ठीक है, जो पांच आपको बताऊंगा उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। पहला यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का श्लोक है और इसका संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है, पांच नंबर बस मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ इसका देखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। देखिए कोई भी आप लोगों का संस्कृत का श्लोक आ जाए, संदर्भ लिखने का यही तरीका ही होता है, पहले आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और संस्कृत खंड से लिया गया है, बस आपको चैप्टर का नाम इंक्लूड करना होगा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है, बस इतना ही टॉपिक आपको लिखना है संदर्भ में। और हिंदी का अनुवाद इसका देखा जाए कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी का अनुवाद यह होगा कि कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, इसका मतलब होता है कि सभी सुखी हों और सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया मतलब होता है कि सब रोग रहित हो, मतलब कोई किसी को रोग ना हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब होता है कि सबका कल्याण को देखो, मतलब सबका कल्याण हो, और मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का मतलब होता है कि कोई भी दुख न हो, मतलब कोई भी दुखी न हो। बस इतना ही टॉपिक आप करोगे पांच नंबर क्लियर। ये पहला आप लोगों का हमने संस्कृत का श्लोक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, ठीक है, पांच टोटल करने वाले हैं, ठीक है, पूरा नोट कर लो अच्छे तरीके से और इसी तरह आप लोगों को याद करके जाना है, पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेके चले आओगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, बस आप पढ़ते रहो डेली। दूसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय
उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। अब देखो इसका संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका देखो वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। यहां तक तो सब में सेम ही रहेगा, बस यहाँ चैप्टर का नाम चेंज होता है, जो कि ये चैप्टर वीर वीरण पूजिते से लिया गया है, यहाँ वीर वीरण पूजिते लिखेंगे नामक पाठ से उत्तरित है। और इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है, मतलब ये जो श्लोक आप देख रहे हो, इस श्लोक में वीरता को बताया गया है। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। हिंदी में अनुवाद यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। कह रहा है कि बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है ना, वो समान रहता है। अब वीर को ही किससे डिनोट किया गया है, वीरता से। बस इतना छोटा टॉपिक है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा तो 100%, ठीक है, ऐसे बाहर आएगा नहीं 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट कर लो, ये दूसरा है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा है। अब तीसरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, चलो तीसरा नोट कर लो। तीसरा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मानम हितवा प्रियो भवति क्रोध हितवा न सोचती, कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवान भवेत। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर संदर्भ वही लिखने का तरीका है, यहां तक तो सेम ही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत, ठीक है, संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन से, जीवन सूत्राणु नामक पाठ से उत्तरित है। किस चैप्टर से लिया गया है, जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। बस आपका बस हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। अनुवाद इसका क्या है, तो देखिये मनुष्य कह रहा है कि अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, मनुष्य का जो अभिमान होता है उसको छोड़ना प्रिय होता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है, ठीक है। 3 लाइन का आप लोगों का मात्र इसका हिंदी का अनुवाद है, ठीक है। एक ही 5-5 मिनट भी पढ़ोगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आप लोगों को छप जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इतना सिंपल टॉपिक है, और इसको आराम से आप लोग नोट करो और घर पे बैठ के आराम से याद करो। अब ये 5 जो आपको बता रहा हूँ, ये 5 अगर तैयार हो गया तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी आपको, ये 5ों ही आप याद कर लो। इसी तरह डेली कुछ ना कुछ टॉपिक हम अलग अलग लेकर आएंगे, और उस सारे टॉपिकों से आपका 70 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस एग्जाम जाके क्वालिफाइड कर लो, अच्छे नंबर लेके आओ। चलो देखो चौथा, चौथा क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है चौथा, मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपिनम यत्र कौशयम साकाशिकेन मियते। ठीक है, ये आप लोगों का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और संदर्भ लिखने का तरीका तो रट गए होंगे आप लोग, वही चीज सेम प्रोसेस है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से उत्तरित है, ठीक है। इसमें वाराणसी की पवित्रता ख्याति वर्णन है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो वाराणसी की पवित्र की बारे में बात किया गया, ठीक है, वाराणसी की जो पवित्रता है उसके बारे में बात किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत। अब क्या देखेंगे, हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका, बस हो जाएगा हमारा। हिंदी का अनुवाद तो बहुत ही ज्यादा छोटा इसका है, क्या है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां कौपीन भी रेशमी है, उस काशी को किसमें मापा जा सकता है, ठीक है। अब देखो कितना छोटा है, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना। जैसे यहाँ बोला है कि मंडलम, अरे मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, इसका मतलब यह है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है और जहां भस्म भी आभूषण है। और दूसरी लाइन यहाँ पे यह थी कि कौपिन यत्र कौशयम साकाशिकेन मियते, इसका मतलब है कि जहाँ कौपिन भी रेशमी होती है, बहुत सारी रेशमी, उस काशी को किससे माप सकते हैं, ठीक है। बस हो गया, तो ये चौथा आप लोगों का है, ठीक है। देखिए कितना आराम से लिखा है, आराम से लिखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर अभी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ते रहिए डेली, आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो पांचवा, देखो पांचवा लास्ट, अब देख लो पांचवा, इसको तैयार कर लो, बस हो गया। हतो वा प्रत्यस्य स्वर्ग जीतवा वा भोज्यसे महिम निराशीर निर्ममुयम भूत्वा युदस्व विगत ज्वर। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लिखा गया है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, तो खुद लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। आपको तो बस संदर्भ और हिंदी में अनुवाद याद करना है, तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। याद करना होता तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, सिंपल है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक हो गया, अब लिखोगे सिर्फ संदर्भ। संदर्भ लिखने का तरीका भी बताए हैं, सब में वही फॉलो हो रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित। यहां तक तो सब में भाई, किस चैप्टर से लिया गया, तो वीरह वीरण पूजते नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है, वीर वीरण पूजते पाठ से उद्धृत है। और देखिए इस श्लोक में क्या किया गया है, कि इस श्लोक में पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं,
इस श्लोक में जो पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश में के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद ही तो बच गया सिर्फ, देख लीजिए हिंदी में अनुवाद देख लो क्या है। यदि युद्ध में, युद्ध की बात हो रहा है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर युद्ध हो रही है, अगर युद्ध में तुम मारे गए, ठीक है, देखो कह रहा है कि युद्ध में अगर मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। मतलब कह रहा है कि अगर अगर मर गया युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। मतलब कि जैसा सिचुएशन होगा उसको आपको देखना पड़ेगा, सबका देखभाल करना पड़ेगा, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है इसीलिए इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो देखिए हिंदी का अनुवाद था इसका, जो गद्यांश हमने यहाँ पे श्लोक आप लोगों को बताया इसका अनुवाद हो गया। तो टोटल 5 हमने बताया, अब पांचों आप लोगों को इतना छोटा छोटा था, मात्र 10 मिनट में चाहोगे तो पांचों को रिवीजन करके 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो थी, और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।